हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो हम बात करेंगे केबीसी ग्लोबल शेयर के बारे में। 2.50 करेंट प्राइस चल रहा है, 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ऑलमोस्ट सारे शेयर्स डाउन है। आज 2.68 का हाई बनाया था, लो बनाया था 2.46 का। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, बिकॉज नेक्स्ट टारगेट्स एंड क्या न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है वो प्रोवाइड करूँगे। 52 वीक हाई बहुत ऊपर है, 23 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैप है 156 करोड़ का। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक पैनी स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो इसीलिए अगर आपने इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड कर सकते हैं आप। कितना प्रेशर है आज बाइंग में, देखिए 1,09,000, सेलिंग में 2,90,000। तो फ्रेंड्स, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और आज सारी शेयर्स में सेलिंग प्रेशर है, बिकॉज निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन है, अराउंड 200 पॉइंट्स डाउन है फ्रेंड्स। सो इसीलिए आज आपको पॉजिटिव रिटर्न बहुत कम शेयर्स में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको पता है कि इनकी 30 सितंबर को एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है 12:30 PM पे। इसी के लिए बुक क्लोजर भी है। तो लेटेस्ट अपडेट्स, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, हमें 30 सितंबर को पता लग जाएगी कि मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है। वैसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जून में 1.03 करोड़ का प्रॉफिट आया था, मार्च से कम हुआ था। मार्च का प्रॉफिट 2.26 करोड़ था। अब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आता है तो हमें शेयर प्राइस में एक अच्छा रिटर्न देखने को ज़रूर मिल सकता है, बट एनुअली भी 17 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। प्रोमोटर होल्डिंग 18% के आसपास है, जो दिसंबर में 33% थी, तो बहुत कम हो गई है। प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो नेगेटिव चीज़ है ये चीज़। FII ने अपनी होल्डिंग ज़ीरो कर दी है शेयर में, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। प्रोमोटर ने भी कम करी, FII ने तो ज़ीरो कर दी। सो ये दोनों के दोनों नेगेटिव पॉइंट हैं शेयर के। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टारगेट आप लेके 2.45 का लोअर साइड में एंड अपर साइड में आप 2.60 तक का ले चुके चल सकते हैं। तो अगर अब मंडे को मार्केट में अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है तो हमें भी इसमें पॉजिटिव रिटर्न दिखने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज पूरा लास्ट वीक ही हो गया है, मार्केट में करेक्शन करेक्शन ही चल रहा है। तो होप है कि मंडे को हमें मार्केट ग्रीन दिखने के चांसेस है। सो 2.50 से 60 के बीच में इसका टारगेट्स लेके चल सकते हैं फॉर मंडे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेगेटिव चीज़ है कि FII ने अपनी होल्डिंग को ज़ीरो कर दिया है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा डेफिनेटली बताने वाली हूँ वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच, बेल बटन प्रेस कर देना।